दिन है बसंत के खिलने पर क्या बात है। देव ऋषि नारद बोले, गोदराज कंस कहने लगा, देव ऋषि नारद क्या बात है, जब कभी मैं आता था तब तुम्हारा चेहरा एक फूल की तरह खिलता हुआ देखा था। देव श्री नारद, हाँ तुम्हें मालूम नहीं है, जिस दिन से नंद बाबा के यहाँ दो यादवों में छोरा कृष्ण और बलराम जन्मे हैं, तब से मेरा खाना और पीना हराम हो गया है। मैं इसी चिंता में लगा रहता हूँ, हमारे काल कब मारे जाएंगे। भोजराज कंस जी, बाबा नारद जी, तुम्हारा काल कौन है? आपने सुना होगा, जो गोकुल में रहने वाले बाबा नंद, उन्हीं के दो बेटा हैं कृष्ण और बलराम, वो हमारे काल हैं। नारद जी, कोई युक्ति हो, कोई उपाय हो तो हमें बताओ, वो कैसे मारे जाएंगे, हम बहुत बेचैन हैं। मैंने अपनी बहन पूतना आकाश और बताशो प्रारंभ जैसी कोई आग राक्षसों को भेजा, वो सभी मारे गए, किसी ने लौट के ये नहीं बताया कि हमारा काल छोटा है या मोटा है या काला है या गोरा है, कैसा, किसी ने कुछ नहीं बताया है। भोजराज कंस जी, बाबा नारद जी, तुमने कही एक राक्षस मेरे एक भी लौट के नहीं आया, तुम क्या अपने कालों से डरते हो? कोई नहीं आया, अब बताओ भला हम अपने काल को कैसे मार पाए। अरे मारो का, तुम खुद ही बलवान हो, ऐसा करो तुम चले जाओ गोकुल में और मारे आओ कृष्ण बलराम को। नारद जी, तुम्हें मालूम नहीं है, मुझे देवी राधा का श्राप लगा हुआ है, अगर हम यमुना के पार जाएंगे तो हम जल के बसर हो जाएंगे, इसलिए हम नहीं जा पाते हैं गोकुल, न तो हमारे लिए वो कृष्ण बलराम क्या थे, छोटी सी चींटी, हम मने तब उनको मार देते। बाबा जैसे नारद ओ भोजराज कंस को एक बार राधा मैया
कैद कर लो तो श्राप दे दो तो तासे भोजराज कंस जमुना के बावरी नहीं जाते और चलो जाते तो पूरी लीला फिर गायब होती। देव ऋषि नारद कहने लगे भोजराज कंस जी महाराज अगर तुम नहीं जाना चाहते हो और तुम्हें श्राप लगा है ऐसा करो हम तुम्हें एक युक्ति बता रहे हैं। भाई तो मैं पूछना चाहता हूँ तुमसे कौन सी युक्ति बोलो ना ऐसा करो एक